जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैंने ये लिया है बेसन का सूजी का हलवा बना रही हूँ। ये मैंने लिया है एक बॉल बेसन, उसी का नाप कर लिया है मैंने एक सूजी, और जिस बॉल से मैंने सूजी ली उसी के हिसाब से मैंने उतनी ही चीनी ली है। चीनी तो आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये देखिए काजू है, बादाम, अखरोट, और ये चार इलायची लिए हैं, और ये गोला, और ये देसी घी, आधे कप देसी घी पड़ जाएगा। ये बहुत टेस्टी हलवा बनेगा, ये बेसन और सूजी का हलवा मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से बनाइए आप। ये देखिए मैंने आधे कप करीब घी डाल दिया है इसमें, ये देसी घी में ही हलवा अच्छा लगता है, और इसमें मैंने डाल दिया है। अब ये देखिए मेरा घी हो गया है, अब मैं इसमें सूजी डाल दी मैंने, और ये मैं बेसन डाल दिया मैंने। अब मैं इसको बराबर चलाना है, बहुत अच्छा भूनूंगे, और फिर ये घी जब हमें वो होने लगेगा छूट जाएगा, घी आराम से घी आ जाएगा इसका, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे आपको। बेसन और सूजी का हलवा बहुत टेस्टी बनता है, इसका कलर भी इतना प्यारा, और खाने में भी टेस्ट इसका बिल्कुल ही अलग हटके आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, सोना बनता है एकदम। इस तरह से बनाइए आप। सूजी पूरी भून गई है, घी देखिए आराम से ये दिख रहा है ये, तो अब घी भून गई है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, इसी नाप से मैं चीनी डाल रही हूँ, जो मैंने सूजी और मैदा ली थी उसी उतनी ही मैंने चीनी ली है। इसमें सारी चीनी डाल रही हूँ, उसी के नाप से मैं इसमें चार बॉल इसी नाप से मैं पानी डालूंगी। ये देखिए ये डाल रही हूँ उतना ही पानी, जितनी मैंने सूजी वो लिया है उसका चौगुना लेना है मैंने, जैसे एक गुना एक बॉल चीनी ली तो मैं इसका चार बॉल पानी डालूंगी। तीन हो गया, बॉल और डालूंगी। ये है, अभी देखिए ये देखिए परफेक्ट बनेगा, कितना सुंदर भुना है सूजी देखिए, और ये देखिए 10 मिनट में बस लगेंगे इसको, और ये देखिए बन के तैयार हो जाएगा। इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच मैंने इलायची पाउडर, जो मैंने चीनी और इलायची को मिक्स करके पीस लिया, और मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। ये ड्राई फ्रूट है, काजू जो है इसमें थोड़े थोड़े मैं डाल दूंगी, गोला भी डाल रही हूँ, अखरोट, काजू और बादाम, और इसी में से मैंने थोड़ा थोड़ा बचा लिया है, मैं बाद में ऊपर से डालूंगी, कितना मैंने बचा लिया है ये बाद में डालूंगी मैं। अब ये 10 मिनट तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए ये धीरे धीरे देखिए अपने आप ही जमने लगेगा, ये इतनी खुशबू आ रही है बेसन की, बहुत ही सुंदर खुशबू खाने में और देखने में, इतनी सुगंध सी आ रही है बेसन की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तैयार हो गया, अब मैं इसमें आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा बेसन और सूजी का हलवा कितना सुंदर तैयार हो गया है, और आप भी बनाइए इसको, देसी घी में ही बनाइए और खा के देखिए कितना टेस्टी, इसका सुगंध इतनी खुशबू आ रही है, और ज़रूर इसको एक बार बनाइए बेसन सूजी का हलवा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।